जनपद में मनाया जाएगा राष्ट्रीय बालिका सप्ताह। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देशन में 21 जनवरी से 26 जनवरी तक जनपद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। जनपद के स्कूलों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, हस्ताक्षर अभियान, महिलाओं के कल्याण हेतु विभिन्न अधिनियम एवं कानून, बाल विवाह, पास्को एक्ट, नुक्कड़ नाटक आदि का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी नीता अहिरवार ने बताया कि भ्रूणकन्या हत्या को रोकने और लोगों को बालिकाओं के प्रति जागरूक करने के लिए एक शपथ भी गांधी उद्यान में दिलाई जाएगी, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली के डायरेक्टर सर का आदेश है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में चल रही है। ये जो है एक सप्ताह का विशेष प्रोग्राम आया हुआ है जनपदों में सभी चलाने के लिए 21 से 26 तक। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत शेड्यूल है इसका 21, 22, 23, 24, 25, 26, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों के और गतिविधियों के अंतर्गत ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताह मनाया जा रहा है और इसकी जिम्मेदारी महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश को दी गई है, जिसके अंतर्गत डीएम साहब के निर्देशन में ये सारा प्रोग्राम पूरे बरेली जनपद में चलाया जा रहा है। इसमें हमारे यहाँ 21 तारीख से प्रोग्राम की शुरुआत है, तो सबसे पहले तो सभी ऑफिसर्स को और सभी को अवेयर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स बना हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, उसकी एक बृहद मीटिंग रखी गई है। प्लस आशा आंगनबाड़ी जो हमारी साथी हैं उनके द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के डोर टू डोर कैंपेन और स्टिकर्स लगा करके ये कार्यक्रम चलना है। प्लस इसमें टॉक शो रखे गए हैं बेटियों को महिलाओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर, उसके लिए विशिष्ट अतिथि और हम लोगों ने स्पेशली कुछ गर्ल्स इंटर कॉलेज हैं उनको चयनित किया है जो हमको सहयोग कर रहे हैं और उसमें ये हमारे कार्यक्रम चलेंगे। प्लस 22 तारीख को इसमें बृहद रैली का आयोजन है जो डीएम साहब के निर्देशन में कलेक्ट्रेट से गांधी उद्यान तक चलेगी। इसी के अंतर्गत वहां पे काफी संख्या में सभी लोग इकट्ठे होंगे, हस्ताक्षर अभियान होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए शपथ ग्रहण समारोह जो है वो गांधी उद्यान में किया जाएगा। इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या होगा, क्या बच्चियों के लिए क्या मैसेज करने की जा रहा है? ये जो सारा हमारा कैंपेन है उसमें ये है कि जो हमारी कन्या भ्रूण हत्या हो रही है उसको रोकने के लिए और जो हमारा CSR रेशियो है उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चियों का रेशियो बढ़े उसके लिए है, अवेयरनेस के लिए। और इसके अलावा जो बच्चियों को बेहतर सुरक्षा शिक्षा आदि जो कार्यक्रम है जागरूक, प्लस जो सरकारी हमारे कार्यक्रम है बेटियों के लिए उसमें सभी को एक कैंपेन के तहत जागरूक करने का ये अभियान है हमारा। लिंग अनुपात कितना चल रहा है इस समय? सर हमारा जो सबसे कम लिंग अनुपात है वो 4 जगह है, क्यारा, भुता, फरीदपुर और रामनगर। तो यहाँ पे हम लोगों ने विशेष कैंपेन करके चला रहे हैं कि जो 4 हमारे सबसे कम वाले हैं उसमें सबसे ज्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं SDM और BDO के जरिए। यहाँ की CDPOs को भी विशेष तौर पे हम लोगों ने कहा है कि जिले में यहाँ पे इसमें सुधार किया जा सके।